यूपी के हरदोई में अमित शाह ने विरोधियों पर कैसे बोला हमला और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने क्या कहा और चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को कैसे लगा बड़ा झटका। राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। हरदोई में अमित शाह ने श्री राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि SP BSP और कांग्रेस वालों कितना भी जोर लगा लीजिए, मंदिर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह के मुताबिक यूपी में माफिया राज का अंत हो गया है, अब योगी का राज है। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आजादी में कोई योगदान नहीं देने वाले देश का माहौल बिगाड़ रखी है। सोनिया गांधी के मुताबिक देश विरोधी साजिशों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संत कालीचरण के बयान पर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 80 साल उम्र हो गई, उन्होंने गांधी जी के लिए ऐसी प्रतिक्रियाएं कभी नहीं सुनी। अय्यर के मुताबिक राष्ट्रपिता की बदनामी और गोडसे का नमन हो रहा है, ऐसे में अब सरकार पर निर्भर है कि ठोस कदम उठाए। रायपुर के धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने वाले कथित संत कालीचरण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत कालीचरण के मुताबिक उन्हें गांधी जी को गाली देने का अफसोस नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी JJP गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी से कमल गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ग्रहण ली तो JJP के कोटे से देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया गया है। दोनों विधायकों को राज्यपाल दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। प्रताप बाजवा के भाई फतेह जंग सिंह सहित दो विधायकों और एक पूर्व सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं अकाली नेता गुरतेज गुड़ियान ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पंजाब पुलिस पर गीली पैंट वाला स्पीच देकर नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों के निशाने पर है। अब अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सिद्धू को मेंटल आदमी बताया और कहा कि सिद्धू को अब कोई भी सीरियस नहीं लेता। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सिद्धू के बहाने पंजाब के CM और गृह मंत्री पर निशाना साधा है। चुग ने पूछा है कि पाक सेना को झप्पी देने वाले सिद्धू बहादुर पंजाब पुलिस को गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, क्या आप भी पंजाब पुलिस के अपमान में भागीदार हैं? कोरोना संकट के बीच दिल्ली में नाराज रेसिडेंट डॉक्टरों के सरकारी अस्पताल में कामकाज बंद करने से मरीजों का हाल बिगाल है। सफदरजंग में भी OPD सेवाएं ठप हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कल हड़ताल का आह्वान किया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।